आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की रस्में बीते बुधवार से शुरू हो चुकी हैं। बॉलीवुड का ये पॉपुलर कपल 14 अप्रैल को मुंबई के पाली हिल में स्थित वास्तु अपार्टमेंट में शादी के बंधन में बंधने वाला है। 13 अप्रैल को आलिया भट्ट की मेहंदी की सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस दौरान कपल के परिवार के साथ साथ कुछ खास दोस्त महफिल में चार चांद लगाते दिखाई दिए। आलिया भट्ट की मेहंदी सेरेमनी में उनके मेंटर और जाने माने डायरेक्टर करण जौहर भी पहुंचे हुए थे। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो मेहंदी फंक्शन शुरू होते ही करण जौहर काफी इमोशनल हो गए। इतना ही नहीं, रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर भी मेहंदी फंक्शन के दौरान थोड़ी भावुक दिखाई दी। करण जौहर ही वो शख्स हैं जिन्होंने आलिया भट्ट को फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जरिए लॉन्च किया। इसके बाद से हर एक मोड़ पर करण उन्हें मेंटर करते नजर आए। आलिया भट्ट ने भी समय समय पर ये बात कही कि करण उनके मेंटर ही नहीं बल्कि उनके पिता के जैसे भी हैं। ऐसे में आलिया भट्ट के हाथों में सबसे पहले करण जौहर ने ही शगुन की मेहंदी लगाई। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया को मेहंदी लगाते ही करण की आंखें भर आईं। जिस तरह से फैंस लंबे समय से आलिया रणबीर की शादी का इंतजार कर रहे हैं तो यकीनन इस पल का इंतजार करण जौहर को भी बेसब्री से हो रहा होगा। यही वजह है कि सब कुछ हकीकत में बदलते हुए देखकर करण जौहर की आंखें डबडबा गईं। आलिया भट्ट की मेहंदी सेरेमनी के दौरान नीतू कपूर भी काफी इमोशनल हो गई। मेहंदी फंक्शन के दौरान वो अपने और ऋषि कपूर के कुछ पुरानी यादों को ताजा करती हुई नजर आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान नीतू को अपनी मेहंदी सेरेमनी की याद आ गई और उन्होंने सभी के साथ कुछ यादगार लम्हों को भी साझा किया। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।